वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब, मैं हूं माधवी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्टरलाइजेशन के बारे में। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या है। तो स्टरलाइजेशन वह प्रोसीजर है जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड अदर इक्विपमेंट में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियल स्पोर्स को किल करते हैं। तो आखिर क्यों किया जाता है स्टरलाइजेशन ऑपरेशन थिएटर में? तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऑपरेशन थिएटर में होता क्या है। तो आपको मालूम ही होगा कि किसी भी पेशेंट के डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन थिएटर में उस पेशेंट की सर्जरी की जाती है। पर स्टरलाइजेशन का क्या रोल है सर्जरी से? तो देखिए, ऑपरेशन थिएटर में जब किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती है तो वहाँ पे उस पेशेंट के पार्ट को ओपन किया जाता है और ओपन करके सर्जरी की जाती है। तो यदि ऑपरेशन थिएटर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो उस पेशेंट के बॉडी पार्ट में एंटर कर जाएंगे, और जब वह उस बॉडी पार्ट में एंटर कर जाएंगे तो उस पूरी बॉडी पार्ट को वो इन्फेक्टेड कर देंगे, इन्फेक्शन फैला देंगे, जिससे उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये इन्फेक्शन बहुत ही भयानक होता है। तो वह इन्फेक्शन ना हो पाए इसीलिए हम पहले ही क्या कर देते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल, वायरस, जीवाणु या विषाणु को हम खत्म कर देते हैं और उसके बाद फिर सर्जरी स्टार्ट की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी मशीन्स होती हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको अलग अलग प्रोसीजर से उनमें प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस और स्पोर्स को टोटल खत्म करना ही स्टरलाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशन थिएटर में जैसे सक्शन मशीन है, सक्शन मशीन में प्रेजेंट बैक्टीरिया वायरस को किल करना, ऑपरेशन थिएटर टेबल में ऑपरेशन थिएटर रूम के बैक्टीरिया वायरस को किल करना, सर्जरी के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट में भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होते हैं, तो उन बैक्टीरिया वायरस को भी किल करना क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो देखिए, अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के को अलग अलग तरीके से स्टरलाइज किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि स्टरलाइजेशन कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट, स्टरलाइजेशन ऑपरेशन थिएटर में 3 टाइप से किया जाता है। फर्स्ट होता है हीट स्टरलाइजेशन, सेकेंड होता है केमिकल स्टरलाइजेशन और थर्ड होता है रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हीट स्टरलाइजेशन के बारे में। तो हीट स्टरलाइजेशन स्टूडेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट में ऊष्मा दे करके वह उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया वायरस को खत्म करना ही हीट स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो जो हीट स्टरलाइजेशन होता है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, सेकेंड होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या कहलाता है, शुष्क गर्मी, सूखी गर्मी दे करके बैक्टीरिया और वायरस को किल करना ही क्या कहलाता है, ड्राई स्टरलाइजेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन क्या करते हैं। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में नमी वाली गर्मी देकर के इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट बैक्टीरिया और वायरस को किल करना ही मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किस में किया जाता है, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ब्लोअर मशीन के द्वारा किया जाता है और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव मशीन में किया जाता है। जो ऑटोक्लेव मशीन है वो सेम कुकर के जैसे ही काम करता है, उसमें रखे हुए इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है। ये हमने देख लिया हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें हमने फर्स्ट देखा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, सेकेंड हमने देखा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। अब हम देखते हैं स्टूडेंट केमिकल स्टरलाइजेशन क्या है। तो केमिकल स्टरलाइजेशन क्या कहलाता है, केमिकल के द्वारा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट में प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस या स्पोर्स को किल करना ही क्या कहलाता है, केमिकल स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो देखिए, जो केमिकल स्टरलाइजेशन है वो 2 फॉर्म में होता है। फर्स्ट होता है आपका लिक्विड केमिकल स्टरलाइजेशन, सेकेंड होता है गैस केमिकल स्टरलाइजेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं लिक्विड केमिकल स्टरलाइजेशन। तो देखिए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या ऐसे भी इक्विपमेंट होते हैं जिसे हम हीट स्टरलाइजेशन के द्वारा स्टरलाइज नहीं कर सकते। उस इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट को हम केमिकल स्टरलाइज के द्वारा स्टरलाइजेशन करते हैं। उसमें भी 2 फॉर्म में करते हैं, लिक्विड स्टरलाइजेशन में, गैस स्टरलाइजेशन में। तो देखिए, गैस स्टरलाइजेशन में ऑपरेशन थिएटर पूरे रूम को स्टरलाइजेशन किया जाता है, जिसका
अच्छा एग्जांपल है फ्यूमिगेशन। और जो लिक्विड स्टरलाइजेशन होता है उसके द्वारा हम केमिकल का लिक्विड तैयार करते हैं, फिर उस लिक्विड द्वारा हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को स्टरलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल साइडेक्स, ऑपरेशन थिएटर में हम साइडेक्स का एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को 4 से 5 घंटे डाल करके रख देते हैं, जिसमें होता क्या है कि उस इंस्ट्रूमेंट में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो पूर्णतः खत्म हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया लिक्विड स्टरलाइजेशन और गैस स्टरलाइजेशन, जो किसके अंतर्गत आते थे, केमिकल स्टरलाइजेशन के द्वारा। अब हम जानते हैं रेडिएशन स्टरलाइजेशन क्या है। रेडिएशन स्टरलाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि गामा रेसेस के द्वारा, किरणों के द्वारा स्टरलाइजेशन ही क्या कहलाता है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो ऑपरेशन थिएटर में गामा रेसेस के द्वारा ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को स्टरलाइज किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि कितने टाइप का स्टरलाइजेशन होता है। फर्स्ट होता है स्टरलाइजेशन, सेकंड होता है केमिकल स्टरलाइजेशन, थर्ड होता है रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टरलाइजेशन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो एक बार और देखते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या है। तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट में प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस को खत्म करना ही क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहलाता है। और क्यों खत्म किया जाता है, क्योंकि वहां पे किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेटिव पार्ट में किसी भी तरीके से इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए हम पूरे ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन थिएटर में प्रेजेंट एक एक इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट को हम टोटल स्टरलाइज करते हैं, फिर उसके बाद किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती है। तो आज की क्लास हमारी यही तक। थैंक यू।